नो स्ट्रेटजी को अगर हम देखें तो स्ट्रेटजी इज़ बेसिकली एन एक्शन प्लान टू अचीव मिशन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं अपने मिशन को अचीव करने के लिए और हर क्योंकि फंक्शनल एरिया का मिशन होता है तो हर फंक्शनल एरिया की स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने अ, जो मिशन है उसको अचीव करना और उसके ज़रिए फिर कंपनी के ओवरऑल मिशन को अचीव किया जाएगा उस स्ट्रेटजीज के मुताबिक स्ट्रेटजीज जो करती हैं स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड टू एक्सप्लॉय अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी अपॉर्चुनिटीज आर एक्सटर्नल जो होती हैं हमें अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज नज़र आती हैं और स्ट्रेंथ इज इंटरनल कंपनीज इंटरनल स्ट्रेंथ तो इनको एक्सप्लॉयड करती और थ्रेट्स जो हैं जो कि एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है और वीकनेसेस जो कंपनी के अंदर हैं उनको अवॉइड किया जाता है और स्ट्रेंथ को यूज की जाती है और वीकनेसेस को अवॉइड किया जाता है स्ट्रेटजीज के अंदर अगर हम स्ट्रेटजीज का कॉन्सेप्ट देखें तो देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज जो कि एम्प्लॉय की जाती हैं वन इज़ डिफ्रेंसी डिफ्रेंसी इज समिंग डिफ्रेंसीन के थ्रू कंपनी ट्राइज टू अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज इट इज डिफरेंट फ्राम एनअर कंपनी और कंपेटिटर और वो डिफरेंट किस हिसाब से या डिफरेंट वो डिफरेंट रीजन से हो सकती हैं इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस फिजिकल प्रोडक्ट ही डिफरेंट है उसके अंदर इट एनकम्पेस ऑल एवरी थिंग ठीक है फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मॉडल डिफरेंट है तो दैट विल गिव यू कम्पैटिटिव एडवांटेज द अदर वन इज विच इज़ कॉल्ड कॉस्ट लीडरशिप हमने जो प्रोडक्ट uh, uh, है वो चीपर और लेस कॉस्टली प्रोडक्ट लेकर आता है इसका यह मतलब नहीं है कि जी ये क्वालिटी इसकी लो होगी प्रोडक्ट नहीं क्वालिटी कम करके कॉस्ट रिड्यूस नहीं करनी बल्कि कॉस्ट रिड्यूस करेंगे हम जो हमने इस कोर्स में भी हमने पढ़नी है मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस मैनेजमेंट के डिफरेंट स्ट्रेटजीज टेन डिफरेंट लेवल जिनको हमने देखना है उसमें से uh, एक दो के अलावा सब हम स्टडी करेंगे तो वो जो कॉस्ट लीडरशिप हमने अटेन करनी वो उन टेन की वजह से uh, जो ऑपरेशन के हमने मैनेजमेंट के अंदर करना है स्ट्रेटजीज uh, को डिस्कस उनकी वजह से हम कॉस्ट लीडरशिप अटेन करेंगे थर्ड इज़ क्विक रिस्पांस क्विक रिस्पांस के आर डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट हैं टाइम बेस तो वो भी हम अभी स्टडी करेंगे तो वो क्विक रिस्पांस की वजह से भी आप uh, अपनी स्ट्रेटजी उसके ऊपर फोकस करेंगे ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों की तीनों आप अचीव करें एक ही वक्त में डिफ्रेंसीशन की वजह से कर रहे हैं या कोई रिस्पॉन्स की वजह से कर रहे हैं तो कॉस्ट लीडरशिप फिर नहीं उसके अंदर आएगी तो वो ये तीनों अलग अलग ही तकरीबन होंगी जिसको हम स्ट्रेटजी को हम उनमें से एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर कर अ, अपना सारा प्लानिंग वगैरह डेवलप करेंगे अ, डिफ्रेंशिएशन के बेस पर अगर हम कम्पीट करें तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब है यूनिकनेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिकनेस मे नॉट बी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इट मे नॉट बी फिजिकल करेक्टरिस्टिक और सर्विस एट्रीब्यूट उसके अंदर ही ज़रूरी नहीं है ये सब कुछ इनके्पस करती है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए बिजनेस मॉडल का बिजनेस मॉडल अगर यूनिक है और वो सक्सेसफुल है तो वो फिर कंपेटेटिव एडवांटेज कंपनी को देगा क्योंकि वो कोई और कंपनी उसको आ, वो नहीं कर सकेगी आ, क्या कॉपी इट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉपी क्योंकि ओवर द पीरियड लॉन्ग टाइम ये बिजनेस मॉडल डेवलप होते हैं तो हो सकता है कि ये यूनिक बिजनेस मॉडल है और वो आपको आपकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहा है कॉस्ट uh, बेस के ऊपर इट इज़ बेसिकली टू गिव मैक्सिमम वैल्यू फॉर द कस्टमर्स मनी तो उसके अंदर Uh, हम लो कॉस्ट स्ट्रेटजी यूज़ करें लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो लो वैल्यू या लो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी बल्कि हमने जैसे मैंने बताया कि ओ एम जो हैं स्ट्रेटजिक डिसीजन जो हैं उनको यूज़ कर कर हम कॉस्ट रिडक्शन करेंगे सो दैट इज़ बेसिकली कंपीटिंग ऑन कॉस्ट कई कंपनीज करती हैं उस बेसिस के ऊपर लोकेशन ठीक जगह पर सेलेक्ट की जाए uh, आपके लेआउट जो है प्रोसेस लेआउट वो ठीक होना चाहिए कि एफिशिएंट हो और उसमें कॉस्ट की सेविंग हो अच्छी खासी तो ये चीज़ें हैं जिनको यूज़ कर कर हम लो कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर सकते हैं द थर्ड वन इज़ कंपीटिंग ऑन रिस्पॉन्स दे आर थ्री एस्पेक्ट रिस्पॉन्स के अगर हम हिसाब से देखें तो वन इज़ फ्लैक्सीबिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी के हाउ क्विकली यू मैच द चेंजेस इन द मार्केट ठीक है ना uh, कितनी जल्दी आप कर लेते हैं मार्केट के अंदर डिमांड एकदम शूट अप की है तो कितनी जल्दी आपने उस डिमांड को मीट कर लिए? यूजली ये सर्विस के अंदर ज़्यादा होता है फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स हैं तो रेस्टोरेंट्स के डिफरेंट टाइमिंग्स हैं ब्रेकफास्ट के टाइम के ऊपर रश डिफरेंट होगा लंच टाइम पर हो सकता है रश ज़्यादा हो क्योंकि ऑफिसेज़ के करीब है ये लोकेट किया हुआ है और डिनर में फिर थोड़ा कम हो गया तो उसको मैच करने के लिए कि जल्दी वो एकदम वो चेंज हो रहा है फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच डिमांड बहुत बढ़ गई है तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास रिसोर्स होने चाहिए और फिर कितनी क्विकली उसको अगर डिमांड कम हो जाती है तो कितने आप यू वॉन्ट वॉन्ट के आपके रिसोर्स आइडल बैठे हों तो उसको किस तरह आपने हैंडल किया हुआ है That is one uh, aspect of uh, uh, response, competing on response. The other one is the reliability. That is, that you a schedule, you uh, uh, supply kar rahe hai product. For example, uh, if it is a B2B company, uh, business to business wo interaction, hai, aap कंपनी किसी फैक्ट्रीज को और दूसरे प्लांट्स को सप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स या मटेरियल तो जो आपने उनके साथ प्लान किया हुआ है लट से आप कहते हैं कि जी हम फिफ्टीन ऑफ जनवरी आपको ये सप्लाई कर देंगे नाउ इफ इंस्टेड ऑफ फिफ्टीन ऑफ जनवरी यू सप्लाई मटेरियल ऑन फिफ्थ ऑफ जनवरी जल्दी करती है तो बड़ी अच्छी बात लेकिन जो कंपनी है जो कि रिसीव कर रही है वो इससे खुश नहीं होगी क्यों क्योंकि उन्होंने अपना प्लान डेवलप किया होगा कि जी फिफ्टीन से हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे इस इसके जिसमें ये मटेरियल यूज़ होगा अब दस दिन के लिए उनको ये स्टोर में रखना पड़ेगा उसके ऊपर कॉस्ट पड़ेगी इन्वेंट्री की तो दे देट बी हैप्पी कि ये जल्दी आपने दे दिया ऑल अगर लेट देंगे तो वो तो उससे भी ज़्यादा उनकी नाराज़गी होगी लेकिन स्टिल दे वुड लाइक कि आप ऑन टाइम डिलीवर करें जो आपने शेड्यूल दिया उसके मुताबिक डिलीवरी हो द थर्ड वन इज़ क्विकनेस क्विकनेस इज के स्पीड इन विच न्यू प्रोडक्ट इज़ डिवेलप कितनी जल्दी आप मार्केट में नया प्रोडक्ट ले आते हैं देर आर कंपनीज जो कि इस uh, में लीडरशिप uh, रोल अदा करती हैं बड़ी तेजी के साथ नए प्रोडक्ट्स uh, uh, को इंट्रोड्यूस कंपनी में करती हैं नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करती हैं सो so दैट जो उनका कंपेटिटर है वो उसको कैच ना कर सके ठीक है वो कंपेटिटर से कई uh, साल या कई महीने आगे होती हैं न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने में सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन द अदर वन इज स्पीड इन डिलीवरी फॉर एग्जांपल इफ वी लुक एट आर कोरियर सर्विस दे आर दे डिलीवर जिसको हम कहेंगे कि स्पीड उनकी है वो विद इन वन डे आपको डिलीवर कर देंगे जबकि आपका जो पोस्टल सर्विस है वो इट विल टेक मोर देन वन uh, डे और उधर डिलीवर होगा बट हो सकता है कि वो पोस्टल सर्विस को हम कहें कि जी वो ऑन टाइम डिलीवर करते हैं तो ये डिफरेंट uh, कंप्यूटिंग uh, uh, क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज़ uh, हैं जो कि एक कंपनी एडॉप्ट कर सकती है